अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमने फिजिक्स में, मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हमने न्यूमेरिकल करने हैं यूनिट नंबर 2 के, तो न्यूमेरिकल टोटल हमारे पास 10 है जी। तो जिसमें से 6 से 7 में 6 मैं आप लोगों को कराऊंगा और 4 आप लोगों की होम असाइनमेंट होगी। अच्छा जी, न्यूमेरिकल में पहला न्यूमेरिकल है जी मेरे पास, ए ट्रेन मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है जी हमारे पास, तो वेलोसिटी वी से शो करते हैं। वी इज इक्वल टू, पहले सबसे पहले डेटा की एडिंग होगी, डेटा इज इक्वल टू हमारे पास, वी इज इक्वल टू हमारे पास है 36 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में करेंगे जी। मीटर पर सेकंड में हमारे पास आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, डिवाइडेड बाय 3600, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो इसमें ये 2 जीरो, इस 2 जीरो से कैंसिल, उसके बाद हमारे पास 36 जो है वो 36 से कैंसिल हो गया और वी की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी 10 मीटर पर सेकेंड में। हाँ जी, वी की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड आ गई। उसके बाद अब हमारे पास जी नेक्स्ट हमारे पास है टाइम। टाइम उसने हमें बताया है, टाइम हमारे पास है जी 10 सेकेंड। टाइम हमारे पास 10 सेकेंड है और हमने क्या करना है कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस हमने क्या करना है फाइंड आउट, तो डिस्टेंस एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, तो फार्मूला लगाएंगे हमारे पास, फार्मूला होगा, फार्मूला हमारे पास है जी S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई T। हाँ जी, तो S इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, S इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी 100 मीटर। यहाँ पे जी आपका पहला न्यूमेरिकल बहुत ही आसान एंड हुआ हमारे पास, जिसमें हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, S इज इक्वल टू 10 मीटर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2 है जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैं 2 मैं पढ़ता हूँ, 2 और 3 सेम है और 3 फिर मैं आपके सामने जो है वो कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है कि ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इट इनिशियल वेलोसिटी इज इट मूव थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी इट स्पीड तो एट द एंड ऑफ द टाइम। तो इसमें हमने क्या करना है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है और क्या करना है कि हमने एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आप लोगों ने इसमें एक तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है और फिर जो है वो फाइनल वेलोसिटी वी एफ फाइंड करनी है। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। थर्ड हमारे पास न्यूमेरिकल है, ए कार हैज ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवलिंग ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। तो सबसे पहले जी हम डेटा बनाएंगे, डेटा में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है जी। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपके सामने इधर करने लगा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, डेटा में हमारे पास सबसे पहले जी इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, जो कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है जी वी आई इज इक्वल टू 10, वी आई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास है जी टाइम, हमारे पास है टी इज इक्वल टू हाफ मिनट, तो हाफ मिनट सबको पता है कितना होता है जी 30 सेकेंड। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है जी, एक्सेलरेशन हमारे पास है, एक्सेलरेट एक्सेलरेशन ए से शो होता है और 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी जो है वो आ जाएगी, साथ में यूनिट आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है जी, हमने क्या करना है कि एक तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी करना है, एस हमने फाइंड आउट करना है, एस के सामने जो है वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास हमने वी एफ फाइंड करना है, तो वी एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ गया, वी एफ के लिए भी क्वेश्चन मार्क आ गया। तो दो फार्मूले हमारे पास यूज होंगे जी। पहला फार्मूला हमारे पास है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इसमें हम वैल्यू जो है वो पुट करते हैं सबसे पहले। तो एस इज इक्वल टू, एस हमने फाइंड करना है ना, तो एस तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद वी आई टी, वी आई हमारे पास क्या है 10 है, मल्टीप्लाई टी करेंगे, टी हमारे पास कितना है जी 30 प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ए हमारे पास क्या है जी, ए हमारे पास है 0.2 और टी का स्क्वेयर यानी के 30 का स्क्वेयर आ गया।
हाँ जी 30 का स्क्वायर आ गया जी। उसके बाद हमारे पास है 10 को, जब ये 300 हो गया प्लस 2 का टेबल, ये हमारे पास आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, 0.1। और फिर जी 0.1 को जब हम 30 का स्क्वायर होता है 900, ठीक है। इसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 10 का स्क्वायर जो है वो 20 आ गया। फिर जब इसको जब 0.1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 90। तो एस इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जी 300 प्लस 90, तो एस की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 390, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास सेकेंड जो है वो हमने जो है वो फाइंड आउट करना है। सेकंड हमारे पास, मैं इधर मेरे पास जगह है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सेकंड हमारे पास है जी, हमने करना है वी एफ फाइंड करना है। वी एफ इज इक्वल टू, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है जी। वी एफ प्लस ए टी, तो वी एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, वी एफ हमारे पास आ गया जी वी आई प्लस ए टी। वी आई हमारे पास क्या था, वी आई इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास थी जी 10, मल्टीप्लाई ए 0.2 था, और टी हमारे पास कितना था जी, टी हमारे पास था 30। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी 10 प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस लगाना था, 10 प्लस 0.2 हमारे पास कितना हो गया जी, 0.2 हमारे पास आ गया है 6 आ गया, क्योंकि पॉइंट लगाएंगे डिवाइड बाई 10 होगा, 10 फिर 3 टाइम, तो 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 6, तो ये हमारे पास वी एफ की वैल्यू आ गई जी 10 प्लस 6 कितना आ गया जी 16। वी एफ फाइनल वेलोसिटी, आगे फिर इसका यूनिट लगा देंगे मीटर पर सेकंड के, मीटर पर सेकंड। हाँ जी, सेकंड भी क्वेश्चन हमारे पास, मैंने आपके सामने ये कर दिया है जी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जी, अब हमारे ये हमारे पास क्वेश्चन जो हुआ है, ये हमारे पास हुआ है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके सामने किया है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये आपका एच ए है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5, मैंने आप लोगों को अब बताना है 5 और 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इसको पढ़ते हैं जी जरा। 5 हमारे पास है जी, एक कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड, इट कम टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फाइंड डी एक्सेलरेशन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। अब हमने क्या करना है जी, 5 में हमारे पास है जी के टाइम हमारे पास कितना है जी, क्वेश्चन नंबर 5 या यहाँ पे देखें जी। अच्छा जी, हमारे पास है क्वेश्चन 5, सबसे पहले डेटा की एडिंग है जी, डेटा बनाएंगे। डेटा में हमारे पास सबसे पहले क्या दिया गया जी, कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, तो वी आई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई जी कितनी, 40 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास आ गया जी वी एफ हमारे पास 0 है फाइनल वेलोसिटी, डी एक्सेल टाइम हमारे पास कितना है जी, टाइम हमारे पास है जी 10 सेकेंड, वी एफ हमारे पास जो है वो 0 है, और डी एक्सेलरेशन हमने जो है वो फाइंड करना है। डी एक्सेलरेशन हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है। तो डी एक्सेलरेशन का भी वही साइन होता है, एक्सेलरेशन से शो करते हैं, सिर्फ जो है वो नेगेटिव साइन आता है साथ में। डी एक्सेलरेशन हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। उसके बाद हमने एस फाइंड करना है, फासला। अच्छा जी, हमारे पास आप जी फार्मूले जो हमारे पास यूज होंगे वो हैं जी, हमारे पास पहला फार्मूला हमारे पास यूज होगा इस क्वेश्चन में, फार्मूला हमारे पास यूज हो गया जी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई प्लस ए टी होगा, और दूसरा हमारे पास है जी एस इज इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाई टी कर देंगे, वी मल्टीप्लाई टी। तो वैल्यू पुट करते हैं जी, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी हो गया, जैसे कि हमने देखा है कि टी हमने जो है वो फाइंड करना है। वी एफ हमारे पास है 0, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई हमारे पास 40 थी, प्लस ए हमने फाइंड करना है, और टी की वैल्यू हमारे पास है जी 10। तो ये इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा, माइनस 40 इज इक्वल टू 10 ए प्लस
टेन पे दोनों साइडों पे डिवाइड कर देंगे, इधर भी और इधर भी डिवाइड कर दिया हमारे पास, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जी, -4। अब -4 इसकी जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, डी एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। उसके बाद हमारे पास है जी एस, एस इज इक्वल टू सेकेंड फार्मूला है हमारे पास वी मल्टीप्लाई टी, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी हो गया। एस में अब हमारे पास एस इज इक्वल टू वी कितना है जी, वी हमारे पास था वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यूज होगी यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई टी, टाइम हमारे पास कितना है, टाइम है जी 10, तो एस टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो है 400 मीटर। हाँ जी, यहाँ पे एक दफा फिर से देख लें जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 को, मैं रिपीट कर देता हूँ। वी आई हमारे पास है 40, टी हमारे पास है 10, उसके बाद वी एफ फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, डी एक्सेलरेशन फाइंड करना है और डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास होगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाई टी हो गया। वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी -4, और एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई टी करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई जब 10 करेंगे तो एस इज इक्वल टू 400 मीटर आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6 है, एक 6 मैं आपके सामने आप कर देता हूँ, फिर जो है वो 7, 8, 9 जो है वो इसका भी देखते हैं कि क्या करना है। अच्छा जी, 6 है जी, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हाट व्हेन इट हैज मूव थ्रू 100 मीटर। तो इसमें हमारे पास जी क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसको, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है जी हमारे पास, इसको हम जो है वो करते हैं जी वी आई, सबसे पहले डेटा बनाएंगे, डेटा हमारे पास आ गया जी, क्वेश्चन 6 डेटा बनाएंगे जी, वी आई हमारे पास इब्तदाई वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, क्योंकि वो रेस्ट स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है जी, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद आ गया जी एस इज इक्वल टू हमारे पास है 100 मीटर। उसके बाद जी फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है, फाइनल वेलोसिटी हमने जी फाइंड आउट करनी है, और इसके लिए हमारे पास अब इक्वेशन होगी, जो फार्मूला यूज होगा वो यूज होगा जी हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास 2as इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे, 2 ए की वैल्यू है 0.5 और एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 100 इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट करना है, माइनस वी आई का स्क्वायर हमारे पास कितना है जी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 का स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा जी 100 आ जाएगा वैल्यू, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी, आंसर 100 इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद अब हमारे पास दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ पे इधर भी स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, ये इससे कैंसिल, और वी एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जी 10 आ गई मीटर पर सेकंड, साथ में जो है वो यूनिट लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास अगर इसको ये मीटर पर सेकंड में आया तो इसको किलोमीटर पर आवर में करना है, तो वी एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 10 मल्टीप्लाई करेंगे जी 3600 और डिवाइडेड बाय जो है वो 1000 कर देंगे। तो यहाँ पे ये 2 0 इस 2 0 के साथ कैंसिल और 10 जो है वो 10 के साथ कैंसिल, तो वी एफ इज इक्वल टू हमारे पास आ गया जी 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। हाँ जी, हमारे पास है जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको अभी जो है वो समझा देता हूँ। 8 हमारे पास है जी, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 7 में है जी, क्या है कि एक ट्रेन, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको बताना है। 8 में भी सेम यही फार्मूला यूज होगा, 2 ए की जगह पे जी एच आ जाएगा, 2 GH इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और उसके बाद जो है वो आप जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास 30 आ जाएगी, उसके बाद 2 GH इज इक्वल टू हाइट आपने फाइंड करनी है, तो वी फिर अगेन यही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 GH इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और फिर आपके सामने जो है वो एच की वैल्यू आ जाएगी जी 45। ठीक
ठीक है जी, ये क्वेश्चन आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 8 आसान था, ये आपने खुद से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम इसी तरह आपने, क्वेश्चन नंबर 9 में जो फॉर्मूला यूज करना है वो आपके पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ जी, 9 का न्यूमेरिकल नंबर 9 का फॉर्मूला मैं आपके पास लिख देता हूँ। वी एफ इज इक्वल टू, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस 80। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि इसमें क्वेश्चन में है क्या कि व्हेन व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ द ट्रेन डिक्रीज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 1800 मीटर हो, हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट हो एज्यूम द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट। तो इसमें वी आई आपके पास 96 किलोमीटर पर आ रहा है, वी एफ जो है वो 48 किलोमीटर पर आ रहा है, और डिस्टेंस जो है वो आपके पास 800 मीटर है। फॉर्मूला आप लगाएंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसमें पहले आप ए फाइंड करेंगे, तो ए जब आप लोगों का फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला आपने लगाना है, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो आपके पास जो है वो वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएगी जी, एस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 266.66 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास को जो है वो एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो न्यूमेरिकल सही अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट मीटिंग हम फिर मैथ के लिए स्टार्ट करते हैं।